अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद हुमी आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो लस्सी क्योंकि आजकल आमों का सीज़न है और आम हर एक को अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा कि आपको आमों से ड्रिंक बनानी बताऊँ तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या अज्जा चाहिए गर्मी में ठंडी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स किसको पसंद नहीं और जबकि आम का सीज़न हो तो आप उसे मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जिनमें से एक ये मैंगो लस्सी भी है मैं इनशाला आपको आम से और भी बहुत अच्छी डिशेज़ बनानी बताऊँगी ड्रिंक्स बताऊँगी और ये चीज़ें देख लें यहाँ पर आम लिए हैं मैंने आइस चीनी दही और दूध मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमें तीन बड़े आम चाहिए जो कि पके हुए हों एक कप दही का है एक गिलास दूध का छोटा गिलास दूध का चार टेबल स्पून चीनी और आइस मैंगो लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ ब्लेंडर ले लिया है और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी कटे हुए आम के स्लाइसिस सारे आम के स्लाइसिस इसके अंदर शामिल कर दिए मैंने आप आम कच्चे मत लीजिएगा पक्के आम लीजिएगा उससे मैंगो लस्सी का टेस्ट ही अलग होगा आम के स्लाइसेस शामिल करने के बाद अब हम इसमें बाकी अज्जा डालेंगे यहाँ मैंने एक कप दही लिया है कोशिश कीजिएगा कि दही खट्टी ना हो साथ ही मैंने इसमें चार टेबल स्पून चीनी का शामिल कर दिए हैं अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी जो कि तकरीबन मैंने एक गिलास लिया है आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं लेकिन दूध से लस्सी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अब मैं इसमें आइस शामिल कर रही हूँ आइस से लस्सी का टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लस्सी तैयार होगी तो यहाँ मैं सारी आइस शामिल कर रही हूँ अपने ब्लेंडर के अंदर और अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अब हम मैंगो लस्सी को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह हल हो जाए हमारी लस्सी अच्छी तरह से ब्लेंड हो रही है आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका व्यूज आप देख रहे हैं कि हमारी मैंगो लस्सी का किस कदर खूबसूरत कलर आया है अब मैं इनको ग्लासेस में सर्व कर लूंगी और मैं आपको बताती हूं कि हम किस तरह सर्व करेंगे मजेदार मैंगो लस्सी बिल्कुल तैयार है आजकल आम मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा आप देखें इसका टेक्सचर कि कितनी क्रीमी और मज़ेदार लस्सी लग रही है हमारी साथ ही मैंने कट किए हुए स्लाइसिस भी ग्लास के साइड पर लगा दिए हैं उससे ग्लास की खूबसूरती बन जाती है और पीने वाले को अच्छा लगता है आप इसको मेरी रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं ड्रिंक्स की तो इन मैं आगे भी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करने की कोशिश करूँगी आमों का सीज़न होने की वजह से मैंगो लस्सी बहुत ही अच्छी और रिफ़्रेशिंग लगती है आम सबको पसंद होते हैं तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा आजकल बहुत मीठे आम आए हुए हैं जिससे बहुत अच्छी लस्सी तैयार होगी इसके अलावा मैं आपको आम से और भी बहुत सी अच्छी डेजर्ट बनानी सिखाऊंगी अगर आप लोगों की कोई फरमाइश हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको पूरा कर सकूँ मज़ेदार ठंडी ठंडी क्रीमी मैंगो लस्सी बिल्कुल तैयार है आप देख रहे हैं कि इसका कितना खुशनुमा कलर लग रहा है और ये पीने में भी बहुत अच्छी होगी आपको अगर मेरी कुकिंग पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें और शेयर भी कीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़